वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी रूम ऑनलाइन की आपनों राजस्थान प्रोग्राम के तहत फर्स्ट लेक्चर में। आज हम राजस्थान की नॉलेज में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से शुरुआत करने जा रहे हैं। आपनों राजस्थान को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये है कि जब भी कभी आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो आपसे सवाल आपके रेजिडेंशियल प्लेस को लेके कि आप कहाँ रहते हैं, आपका निवास स्थान कहाँ पर है, तो उस स्थान से संबंधित जानकारी आपको देना, वो भी बहुत बेहतरीन शब्दों में, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनर इस वक्त आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी देख रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है उसके पीछे कारण क्या होता है, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान। जितना ज़्यादा आप पढ़ लेते हैं उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जब आपको अपनी स्टडी पे डाउट होता है तो आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो इंटरव्यू वहीं एग्ज़ामिनर समझ जाते हैं कि आपकी पकड़ किसी चीज़ पर कितनी है। तो राजस्थान के सभी ज़िलों के बारे में किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में इससे पहले किसी ने सोचा नहीं, और इस बात के दिमाग में आने के बाद हमने ये सोचा कि हम इस प्रोग्राम को आपके लिए शुरू करते हैं। हम सोच सकते हैं कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, और आगे आने वाले कुछ दिनों में जबकि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे तो शायद हम ये श्योर हो जाएंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट सही दिशा में चल रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से। सो भरतपुर शहर जो है वो जाट महाराजा सूरजमल ने स्थापित किया था, बसाया था 1733 में। द सिटी भरतपुर वॉज एस्टेब्लिश इन 1733 बाई जाट महाराजा सूरजमल। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि इसका जो एरिया है ये कितने किलोमीटर है, 5066 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, 5066 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो इसके बॉर्डर्स हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ बॉर्डर्ड बाय मेवात डिस्ट्रिक्ट, मेवात जो कि हरियाणा में है, उत्तर में मेवात है। सो दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ बॉर्डर्ड बाय मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा इन द नॉर्थ। और अब ईस्ट में क्या आता है, ईस्ट में है मथुरा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसकी ईस्ट में यानी कि पूर्व में मथुरा, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कि दक्षिण में क्या है, धौलपुर और करौली। और आगरा इसके अलावा, और पश्चिम में दौसा और अलवर ज़िले से इसकी जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ बॉर्डर्ड बाय मेवात डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ, मथुरा इन द ईस्ट, धौलपुर एंड करौली एंड आगरा इन द साउथ, एंड जॉइंस दौसा एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट। अब देखिए, भरतपुर जो है वो हमारे राजस्थान राज्य का सातवां संभाग है, मींस दिस इज़ द सेवेंथ डिवीज़न ऑफ दिस स्टेट राजस्थान। 2013 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में इसे शामिल किया गया है। एनसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन में भरतपुर को शामिल किया गया सन 2013 में, और आफ्टर अलवर यानी अलवर के बाद इसे, ये दूसरा ज़िला है जिसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल किया गया इन द ईयर 2013।